Since we have understood that what does cultural competence mean now it is important to see that why cultural competence matter Cultural competence encourages the acknowledgement and acceptance of differences in appearance behavior and culture In a society where diversity is the imperative the ability to acknowledge and address differences across various cultural parameters helps to bridge gaps in understanding टूवर्ड्स बेटर कनेक्टेडनेस जितना ज़्यादा बेहतर हम अंडरस्टैंड करेंगे कर्चरल कॉम्पिटेंस के ज़रिए क्लाइंट्स की नीड्स को उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उन गैप्स को ब्रिज कर सकेंगे जो एक थेरेपिस्ट या एक असेसमेंट टेकर और एक क्लाइंट के बीच में होते हैं क्योंकि तो ये जो इंडिविजुअल डिफ्रेंसेज हैं ये बेसिकली बहुत ज़्यादा एक बड़ा गैप एक हीस क्रिएट कर देते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो वेन वी डिवेलप प्रोफेशनल कॉम्पिडेंस और हम एक पेज पर आकर एक उन्हीं के शूज़ में पाँव रखकर उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक बेहतर कनेक्टिडनेस डिवेलप होती है जिसके रिजल्ट में हम बेहतर असमेंट्स कर सकते हैं तो फॉलोइंग आर द कंपेलिंग रीजन फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल कॉम्पिडेंस इन समाइव कल्चर्स द इंडिविजुअल्स फ्राम माइनॉरिटी ग्रुप्स कैन बी अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पोटेंशियल क्लाइंट्स लेट से अगर हम पाकिस्तानी सेटिंग की बात करें तो हमारे कंट्री में अभी तक इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं होती कि माइनॉरिटी ग्रुप्स या वर्नरेबल पॉपुलेशन जो हैं वो क्या हो सकती हैं हमारे यहाँ एक माइनॉरिटी ग्रुप कुड बी पॉसिबली द पेशेंट्स विद डायग्नोसिस ऑफ एच आई वी एड्स और उन पेशेंट्स को हम एक एज अ कम्यूनिटी एक्सेप्ट नहीं करते या इसी तरह एक पॉन्सटीटूशन की एक कम्यूनिटी है उसकी हमारी ओपन एक्सेप्टेंस नहीं है इसी तरह अगर हम किसी और कल्चरल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले किसी और रिलीजियस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले इंडिविजुअल्स की बात करें तो पाकिस्तान में हमें कुछ सर्टेन कम्युनिटीज बहुत ही माइनर या बहुत ही कम नंबर में नज़र आती हैं लेकिन अगर हम असेसमेंट के लिए कोई ऐसा खास वेरिएबल चूज करते हैं जिसका तल्ल उस कम्युनिटी से होता है एंड देन वी हैव टू रीच आउट टू दोज इंडिविजुअल्स तो वहां पर कल्चरल कॉम्पिटेंस बहुत मैटर करती है कि हाउ डू यू परसीव अ लेट्स से एचआईवी एज एज इशू अ डिजीज़ क्या आप इसको कोई कंटिंजेंट चीज़ समझते हैं आप इसको किस तरीके से ले रहे हैं आप इसके पेशेंट्स को किस तरह से रिगार्ड करते हैं आप उनको डिवैल्यू तो नहीं कर रहे अगर एक इंडिविजुअल खुद ये पॉइंट ऑफ व्यू होल्ड करता है और उसके बाद वो उनको असेस करता है तो मे बी वो कल्चरल बायस जो है वो उसके असेसमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा हो देन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग अ क्लाइंट्स कल्चरल बैकग्राउंड मे एक्सपैंड द ट्रीटमेंट अपॉर्चुनिटीज व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट ओके यस पर्सन बिलोंग्स टू दिस पर बिलोंग टू अटन कम्यूनिटी एंड और ही तो वहाँ पर शायद हम ज्यादा बेहतर तरीके से अपने नॉलेज को एक्सटेंड कर सकते हैं कल्चरल कॉम्पिटेंस इज रिक्वायरमेंट ऑफ़ दल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली अप्रोप्रियट सर्विस फॉर इंस्टेंस इस वक्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोविड के बाद एक पॉलिसीज एंडी थर्टी डेवेलप कर रही है अब वो पूरे वर्ल्ड के लिए होगा अब पूरे वर्ल्ड के लिए जब हम कोविड के लिए रिहेबिलिटेशन प्लान डेवलप कर रहे हैं और उसमें साउथ एशिया से हम पाकिस्तान के कंट्री को सेलेक्ट नहीं करते तो आई डोंट थिंक सो एनी अदर पर्सन हु इज़ लिविंग आउटसाइड द पाकिस्तान वुड बी एबल टू प्रजेंट द पिक्चर विच इज़ गोइंग ऑन इन पाकिस्तान तो यू नो कल्चर कल्चरली रेलिवेंट पर्सन इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी द पार्ट ऑफ मेकिंग एनी पॉलिसी और एनी अदर डिसीजन मेकिंग इम्प्रूवमेंट इन कल्चरल कॉम्पिटेंस मे कॉन्ट्रीब्यूट टू द इम्प्रूव क्लाइंट रिटेंशन अगर आपके पास कॉम्पिटेंस है तो आप उस क्लाइंट को रिटेन कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ही इज रिहेबिलिटेटेड वर्क इज बिंग डन रदर देन के वो चूँकि एक रेपो इस्टाब्लिश ना कर सके और वो इन बिटवीन कहीं छोड़ के चला जाए देन इन्हेंसिंग देंसिटिविटी एंड कपेसिटी टू ट्रीट क्लाइंट्स फ्राम अदर कल्चर्स इम्प्रूव अजिस्ट एबिलिटी टू ट्रीट ऑल द क्लाइंट्स अब एक ऐसी सेटिंग में एक इंडिविजुअल बैठा है जहाँ पर हर तरह के कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले क्लाइंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान में वी अंडरमाइंड दैट कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी बट इन वेस्टर्न कंट्रीज़ हमें वहाँ पर बहुत सारी एथनिक माइनॉरिटीज़ नज़र आ रही होती हैं और उसके अंदर इस चीज़ की इंपॉटेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर भी विद इन बहुत से सब कल्चर्स हैं लेकिन अभी तक हमें उनकी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई और हमें ये लगता है कि हम सब तो एक ही जैसे लोग हैं लेकिन बिकॉज ऑफ द रेस बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया यू बिलोंग टू डिफरेंट तरह के जो है कल्चर्स हम कैरी करते हैं और जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं वहाँ पर ये कल्चर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं देन द एम्पति एंड द ट्रस्ट दैट अ पर्सन नीड्स टू प्रैक्टिस टू मूव टूवर्ड्स कल्चरल कॉम्पिटेंस आर एन एक्सटेंशन ऑफ द क्वालिटीज दैट मेक्स अ गुड साइकोलॉजिस्ट नाउ हेयर विदाउट टॉकिंग अबाउट द कल्चरल कॉम्पिटेंस एम्पथी रखना डिवर्स अप्रोच रखना कॉम्पिटेंट होना ये अदरवाइज भी एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के लिए बेसिक इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वालिटीज़ uh, हैं जिसके बगैर एक इंडिविजुअल एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकता तो so, अगर इन सब को हम सम करें तो द क्वालिटी विच एमर्ज एज अ टाइटल इज कल्चरल कॉम्पिटेंस विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड साइकोलॉजिस्ट के एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट में कल्चरल कॉम्पिटेंस होना बहुत ही